अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो हमने स्टार्ट किया बहुत अर्ली मॉर्निंग से और ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं आपको गार्डन से वेदर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज वेदर बहुत ही प्यारा था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अभी समर्स है, तो समर्स के लिहाज से आज का वेदर बहुत प्यारा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्लाउडी वेदर था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो अभी ये सुबह का टाइम है 7:15 का और आप सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह मैं किचन में भी क्या कर रही हूँ और वो भी सुबह सुबह मैं कढ़ाई बना रही हूँ, वो क्यों? तो जी, जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग ने डे ट्रिप प्लान किया था सोमरसेट डैम पे। तो बस हमें पिकनिक के लिए साथ में कुछ खाने पीने के लेके जाना था, तो जो मेरा पार्ट था कुकिंग का उसमें मुझे कढ़ाई बनानी थी, तो बस मैं सुबह सुबह वही प्रिपेयर कर रही थी। तो ये लास्ट टचेस जो थे वो मैं अपनी कढ़ाई पे दे रही थी। जब लास्ट में आपको जिंजर और कोरिएंडर वगैरह डालना होता है वो सब मैं डाल रही थी। इसकी डिटेल्ड रेसिपी वीडियो बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो बस ये कढ़ाई जो है वो झटपट बन गई। उसके बाद हम सब रेडी हुए और ब्रेकफास्ट किया और अपने सफ़र पे निकल पड़े। तो बेसिकली सोमरसेट डैम जो है वो ब्रिस्बेन से 1 आवर 15 मिनट्स की ड्राइव है, लेकिन इसकी ड्राइव इतनी खूबसूरत और हसीन है ना कि बस आपका सफ़र कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। बहुत ही मेसमराइजिंग व्यूज़ हैं, सामने आप स्काई देखें, माउंटेंस देखें, इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। सुबहान अल्लाह निकलता ही है आपके मुँह से ये व्यूज़ देख के, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। तो बस हम लोग ने अपना सारा सामान वगैरह पिकनिक का प्लान पैक किया और बस हम लोग सफ़र पे निकल पड़े और जल्दी जल्दी सफ़र गुजर गया और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं जो कि सोमरसेट डैम है। और ये तो जितना हमने सुना था ना उससे 1000 times ब्यूटीफुल है। जस्ट लुक एट द व्यूज़, आप खुद देख सकते हैं। शायद कैमरा इतना जस्टिस ना कर रहा हो मेरे व्यूज़ आपको दिखाने में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत बंदा रिलैक्स फील करता है इस तरह की जगहों पर जाके। तो हमने सोचा कि हम फ़िशिंग में भी लक ट्राई कर लेंगे। तो एक्चुअली वेदर उस दिन हाई एंड सीक प्ले कर रहा था, थोड़ी देर बारिश हो रही थी फिर सनी हो रहा था, लेकिन इट वाज़ एन परफेक्ट वेदर फॉर अ डे ट्रिप। तो बस ही हम लोग व्यूज़ देखते देखते वॉक करते करते बहुत ही प्यारा टाइम गुजरा वहाँ पे। अच्छा, इस तरह की जगहों पे जाके ना आपका वापस आने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो हमारा तो टाइम वहाँ पे 4-5 आवर्स कैसे स्पेंड हुए, बस ऐसे लगता था कि अभी आंख बंद की और खोल लिया, इस तरह लगता था। तो ये माउंटेन्स का आप माउंटेन्स का व्यू देखें, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कश्मीर में हैं। तो बस जी, हम खाने पीने की चीज़ें साथ लेकर आए थे। यहाँ पे सैलड की कटिंग हो रही है, फिर हम लोग यहाँ से अभी चीज़ें अनपैक कर रहे थे क्योंकि सबको बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि हमने बहुत इन्जॉय किया, बैडमिंटन खेला, बातें की, गपशप की, वॉक की। तो इस टाइम तक तो सबको बहुत भूख लग गई थी। ये दिन का टाइम था, ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे का टाइम था। तो हम लोग अभी यहाँ पर मसाला राइस गरम कर रहे हैं जो कि मेरी फ्रेंड लेकर आई हुई थी, वो गरम कर रहे हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें हवा का प्रॉब्लम कर रही थी क्योंकि स्टोव की हीट नहीं लग रही थी हवा की वजह से, तो फिर हमें उसे काफ़ी चीज़ों से ब्लॉक करके करना पड़ा, जैसा कि आप एस्कीज देख रहे हैं। तो ये जो मैंने सुबह कढ़ाई बनाई थी, बस अब उसकी बारी आ गई, हमने वो गरम की और साथ साथ हम टेबल भी सेट कर रहे थे कि जैसे ही खाना गरम हो और फ़ौरन हम लोग लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक भूख ही इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो बस कढ़ाई हम वेट कर रहे थे, ये गर्म हुई और हमने साथ में जो है वो टेबल जो है वो सेट कर ली थी तब तक। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई हमने खाना लगा दिया और बहुत ही मज़े का खाना था, सब चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी और बड़ा मज़ा आया हमें, खाना खा के भी बहुत इन्जॉय किया। तो मैं तो आप सबको बहुत रिकमेंड करूँगी कि जो लोग ब्रिस्बेन में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी स्टेट से आते हैं, आप लोग ब्रिस्बेन विज़िट करने हैं तो मस्ट विज़िट प्लेस है, यहाँ पे ज़रूर जाइएगा फैमिली के साथ डे ट्रिप पिकनिक के लिए, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। बस
खाना शाना खा के अब चाय की बारी आ गई थी। हमने कप सेट करके रखे हुए थे, चाय बनी, हमने चाय पी और ये हमारा आज का दिन बहुत ही खूबसूरत और मज़े का गुजरा। ये हम वापसी का सफ़र हमने घर की तरफ रवाना हो गए। तो जी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।